जय एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है क्या, एट्यूनेशन इन ट्रैवलिंग व्हील। तो पहले एट्यूनेशन का मतलब क्या होता है, एट्यूनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी सिग्नल आप दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका कोई भी सिग्नल है, लेकिन वो क्या हुआ उस पर एट्यूनेशन कुछ अप्लाई हुआ तो वो सिग्नल क्या एकदम सेम वेव फॉर्म न जाके कुछ उसमें आ जाते हैं लो लॉसेज, उसमें क्या होते हैं लॉसेज आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ सिग्नल ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट्यूनेशन हमारा क्या हुआ, अगर एट्यूनेशन अप्लाई हुआ तो हमारा जो ट्रांसवर्स वेव था ट्रैवलिंग वेव था वो सिंपली जा रहा था, लेकिन उसमें एट्यूनेशन हो जाता है। कुछ एट्यूनेशन का मतलब क्या कहते हैं, उसमें कुछ डिक्रीजनेस, मतलब वेव में क्या होता है हमारा कुछ कमी आ जाती है, वो जो वेव फॉर्म जैसा जाना जाता है हमारे रिसीविंग पॉइंट पे वैसा वो नहीं जा पाता, उसी को हम बोलते हैं एट्यूनेशन, जो कि लॉसेस इन ट्रैवलिंग वेव कह सकते हैं, या पावर लॉसेस आप बोल सकते हैं, या लॉसेस इन करंट बोल सकते हैं, या आपका डिक्रीजनेस इन वोल्टेज बोल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या एट्यूनेशन। अब उसी का बात करेंगे अपने इस पावर सिस्टम टॉपिक में, हमारा क्या है ट्रैवलिंग वेव। अब ट्रैवलिंग वेव में हमारा एट्यूनेशन कितना होता है उसको हम पता करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्किट डायग्राम जो कि हमारा कुछ यहाँ पर आई डिस्टेंस के लिए है, जो कि यहाँ पे हमारा करंट आई नॉट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं करंट आई नॉट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज वी नॉट है, एक ट्रांसमिशन लाइन है हम यहाँ पे बनाए हैं जो है। फिर वहां पे आप एक मान लीजिए डेल्टा एक्स एक्स डिस्टेंस का कोई एक वेवफॉर्म पर्टिकुलर वहां पे प्लेस लिए, फिर वहां का जो करंट होगा वो हमारा आई होगा। अब हमको क्या करना है इस ट्रैवलिंग वेव में, जो आपका ये सर्किट इक्वेशन है आपका, उसमें से हमको क्या करना है, हमको एक पार्टिकुलर एट्यूनेशन उसका ट्रैवलिंग वेव फाइंड करना है, जो कि हमारा ये डेल्टा एक्स लेंथ पे है। तो इसको आप जो यहाँ पे इस ये छोटे से भाग का हम अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाए, इसका जो छोटा सा डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे है उसका अगर सर्किट डायग्राम बनाए तो वो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि हमारा यहाँ पे आप डेल्टा एक्स हमारा टोटल डिस्टेंस है ये, क्योंकि हमने क्या किया इस डेल्टा एक्स को पार्ट को जूम किया है, तो वही हमारा ये पार्ट आ गया डेल्टा एक्स का पार्ट, जिसमें हमारा जो वोल्टेज है वो वी है और करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है, और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर डी एक्स, एक छोटे से पार्ट पे, इसलिए वो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है आर डी एक्स, और यहाँ पे एक इंडक्टर मान लीजिए एल डी एक्स हो गया, और ये हमारा कंडक्टेंस है जी डी एक्स, और ये हमारा कैपेसिटर सी डी एक्स। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कैसे हम इस छोटे से पार्ट को हम यहाँ पे जूम करके बड़ा सर्किट इक्वेशन बनाए। अब ये जो सर्किट इक्वेशन बनाए हैं उसमें हमको जो एट्यूनेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है उसमें हमको क्या फाइंड करना होता है, उसमें हमको फाइंड करना होता है पावर लॉसेस, क्योंकि एट्यूनेशन हम तभी फाइंड कर सकते हैं पावर लॉसेस क्या हो रहा है। अब देखिए पावर लॉसेस एट्यूनेशन मतलब क्या होता है, हमारा पावर लॉसेस ही, तो हमको जो एट्यूनेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव हमको जो निकालना है पता करना है कि कितना वोल्टेज हमारा डिक्रीज हुआ है, कितना हमारा करंट डिक्रीज हुआ है, उसी को हम निकालने के लिए एट्यूनेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव यूज करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है। अब एट्यूनेशन को फाइंड करने के लिए हमको पहले क्या निकालना होता है, लॉसेस निकालने होते हैं, तो लॉसेस यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पी इक्वल टू जो यहाँ पे हमारा लॉसेस होगा पावर का, वो हमारा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस वी जी, वी स्क्वायर इंटू जी, ये कहेंगे आई स्क्वायर लॉस, जो आई स्क्वायर आर है वो हमारा इसमें जो करंट में लॉसेज हो रहे हैं वो ये है, और जो वी स्क्वायर जी है क्या है वो हमारा कंडक्टेंस है, जो जैसे आप कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वन अपॉन आर इज इक्वल टू हमारा जी होता है, वही चीज लिखा है वी स्क्वायर इंटू जी। टोटल जो पावर लॉसेज है हमारा वो ये है आई स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर जी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर जो आई का वैल्यू है वो क्या होगा, आई का वैल्यू जो करंट का वैल्यू है वो क्या होगा, आई का वैल्यू हमारा वी अपॉन जेड नॉट होगा। तो देखिए वही चीज रख दी यहाँ पर, वी बाई जेड नॉट को हमने वी स्क्वायर अपॉन जेड नॉट किया, और आर यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस था वो हमारा यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे लिख देंगे आर, और जो ये वी स्क्वायर जी था वो वी स्क्वायर जी यही पे। फिर टोटल जो पावर लॉसेज हमारे हुए वी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर नॉट इंटू आर वी स्क्वायर इंटू जी, तो ये हमारे टोटल लॉसेज है। लेकिन हमको जो लॉसेज निकालना है वो इस छोटे से भाग में निकालना है, ये लॉसेज केवल हमको इस पार्ट में निकालना है ना कि इस पूरे बिग सर्किट में निकालना है ना कि पूरे ट्रैवलिंग वेव में निकालना है।
तो हमको बस फाइंड करना है कि वो करंट कितना डिक्रीज हो रहा है, करंट हमारा वोल्टेज कितना डिक्रीज हो रहा है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस छोटू से भाग का पावर लॉसेज निकालेंगे। तो छोटू से भाग का पावर लॉसेज अब कैसे निकलेगा, देखिए जो यहाँ पे पावर लॉसेज हमने क्या किया, मान लिया छोटा सा डीपी जो कि पावर लॉस डीपी है, तो यहाँ पे छोटा सा पावर लॉस डीपी है। अब इसको देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे जो आर था हमने इसको आर डीएक्स कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो छोटा से एकदम छोटे से रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं, और पावर लॉसेस जो हमारा होगा वो केवल आर डीएक्स और कंडक्टेंस में होगा, और कैपेसिटर जो हमारा है और हमारा इंडक्टर है उसमें लॉसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो स्टोरिंग एनर्जी एलिमेंट है, न कि वो हमारा ये कैपेसिटर, ये हमारा जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या है, ये पावर लॉस एलिमेंट है। इसलिए पावर लॉस जो होगा हमारा केवल आर रेजिस्टेंस में और जी हमारा कंडक्टेंस में दिखेगा। तो वही चीज हमने किया यहाँ पे, मान लिया चेंज इन पावर, मान लिया छोटी छोटा सा पावर चेंज हो रहा है डीपी, और बी स्क्वायर अपॉन जेड नॉट डी करेंट था हमारा, अब आर की जगह हमने रिप्लेस कर दिया आर डीएक्स, और बी स्क्वायर जी इंटू डीएक्स जो कि जी का वैल्यू एक छोटा सा हमने रख दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन हम कहां से लाएंगे, सेकेंड इक्वेशन है कि पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, ये आपको पता होगा पावर इज इक्वल टू वी आई। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आई और आई जो हमारा क्या है, वी नॉट अपन जेड नॉट, वो भी निगेटिव साइन में। अब यहाँ पे निगेटिव हमारा क्या शो कर रहा है, निगेटिव हमारा यहाँ पे रिडक्शन शो कर रहा है कि जो भी लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं हमारा, उसमें हमारा रिडक्शन हो रहा है, ये हमारा निगेटिव हमारा रिडक्शन शो कर रहा है, ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है। तो यहाँ पे जो हमारा पावर का इक्वेशन मिला P इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, तो ये एक पावर का इक्वेशन, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन B। अब हमको क्या करना है, ये जो पावर का इक्वेशन वन है, ए है और बी है, उसको हमको अभी इक्वेट करना होगा। लेकिन अभी कहेंगे कि ये सर पावर हमारा तो भी बड़ा है, ये पावर हमारे पूरे ट्रांसवर्स वेव का है, पूरे ट्रैवलिंग वेव का है, तो हमको क्या करना होगा, इसका भी क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। क्यों, क्योंकि हमको एक छोटे से भाग का लेना है पावर, इसलिए यहाँ पे जो पी इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन जेड नॉट है, इसका एक छोटू सा एलिमेंट देंगे और उसको इक्वेट कर देंगे हम इसके पावर इक्वेशन वन से। तो हम आगे देखिए करते हैं, तब तक आप यहाँ का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। देखिए जो हमारा ये पावर इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन जेड नॉट है, उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे डीपी अपॉन ये छोटा सा एलिमेंट हम इसका ले लिए, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dp इज इक्वल टू आएगा हमारा माइनस 2v dv अपॉन z नॉट। देखिए ये इक्वेशन हमारा आ गया इक्वेशन, तो ये आपका जो छोटू सा एलिमेंट है यहाँ पे dp हमने माना, और इसमें भी जो v वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये छोटा सा एलिमेंट आएगा। तब हम इसको ये हमारा इक्वेशन नंबर c, अब हम a और c को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो ए और सी को हम देखिए रिलेट करते हैं, देखिए ए वाला इक्वेशन तो हमारा ये रहा बी स्क्वायर अपॉन जेड नॉट स्क्वायर आर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर जी डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे जो कि माइनस टू बी dv by z naught, yes ये हमारा इक्वेशन है, और इसको रिलेट करके हमको वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, जितने भी देखिए एक वोल्टेज हमारा ये कट गया, ये वोल्टेज कट गया, ये वोल्टेज कट गया, आपको दिख सकता है कितना इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें। फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, v r dx प्लस यहां पे v जेड नॉट स्क्वायर जी डी एक्स अपॉन जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू बी डी बी अपॉन जेड नॉट, ये कुछ भी अंतर नहीं है, सब सेम है, अभी जेड नॉट से एक जेड नॉट गया, अब हमारा इक्वेशन जो बचा है ये बचा है। अब यहां से आप कीजिए वोल्टेज कॉमन,
वोल्टेज और वी डी एक्स यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो आर प्लस यहाँ पे आपका बचेगा जेड नॉट स्क्वायर जी अपॉन जेड नॉट इज इक्वल टू माइनस टू वी डीवी। ये देखिए अभी जब कोई डाउट है ना फिर देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा ये तो वी हमारा कैंसिल हो गया था, अब तो वी ये बचा नहीं, आप देख सकते हैं ना यहाँ पर मैं कैंसिल कर दिया था, अब ये जो ये वाला बी है इसको क्या ले सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं ना, अब इस बी को हटा के हम यहाँ पर बी कर देंगे और ये माइनस टू है जो उसको निकाल के हम नीचे कर दें यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर दे यहाँ टू दे, कोई भी डाउट नहीं ना। अब इसको हम क्या करें इंटीग्रेट कर, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा एल एन बी, लॉजिक सिंपल है, इसमें सीधे आपको इंटीग्रेट करना है और इसमें हमारा क्या होगा ये सारे कांस्टेंट टर्म है तो इसके साथ हमारा एक x आ जाएगा, क्या होगा वो हमारा x, देखिए ये रहा हमारा वैल्यू, अब इसमें हमको क्या करना है इस v का वैल्यू फाइंड करना है और इसके साथ एक कांस्टेंट भी हमारा आएगा जो कि कांस्टेंट है हमारा, तो उसको हम देखिए जो हमारा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक कांस्टेंट मान, लेकिन मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं अभी एट हम v इक्वल टू 0 यहां पर एक वोल्टेज मान सकते हैं कि आप x इक्वल टू 0 पे एकदम स्टार्टिंग फेज पे निकालना है इसलिए आपका कांस्टेंट नहीं आएगा, तो यहां पर आप जब कांस्टेंट का वैल्यू निकालोगे यहां पे जब v का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा हमारा जब यहाँ पे आप जब यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको b इक्वल टू करेंगे तो ln हमारा क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा और ये जो हमारा होगा क्या होगा यहाँ पे हम जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे थे बताइए, यहाँ पे जो वैल्यू हम निकाल रहे थे वो b नॉट से b तक निकाल रहे थे, माने थे क्यों क्यों क्योंकि हम कुछ एक पार्टिकुलर डेल्टा x डिस्टेंस पे निकाल रहे थे, वहां का जो डिफरेंशिएशन होगा ये b और b माइनस b नॉट होगा, तो यहाँ पे भी जब करेंगे हम तो हमारा वैल्यू आएगा b अपॉन b नॉट, तो यहाँ पे हम जब देखिए इसको ln को जब हम इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा v नॉट इधर आ जाएगा और e की पावर हमारा r प्लस z नॉट स्क्वायर इंटू g अपॉन 2z नॉट इंटू x, ये हमारा इक्वेशन है यहां पर लिख सकते हैं, ये आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजी है कॉन्सेप्ट, अब देखिए हमारा क्या इक्वेशन बना v इक्वल टू v नॉट e के पावर माइनस r प्लस z नॉट स्क्वायर g अपॉन 2z नॉट इनटू x, ये हमारा फाइनल एक्टिवेशन में कितना हमारा वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है आपको ये पता चल गया, तो आप देखिए ये सब कैलकुलेशन किए तो हमको ये पता चल गया कि कितना हमारा वोल्टेज में डिक्रीजनेस आ रहा है, तो अब हम मान लेते हैं कि ये वाला टर्म हमारा क्या होगा एक कांस्टेंट होगा, इसको मान लेते हैं हम के या कुछ लोग अल्फा भी मानते हैं कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे v इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये रहा हमारा रिडक्शन इन वोल्टेज। अब करंट भी क्या होता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो यहाँ पे हमारा करंट वाला भी सिमिलरली वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे हम देख लेंगे I नॉट e के पावर माइनस अल्फा एक्स और अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या है R प्लस z नॉट का स्क्वायर इनटू g अपॉन 2z नॉट, ये हमारा वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू, तो ये कंप्लीट टॉपिक रहा हमारा एटेन्यूएशन इन ट्रैवलिंग वेव, थैंक यू जय हिंद।